नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि होम्योपैथी दवाइयों का क्या क्या नुकसान होता है, आइए जानते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि दोस्तों कि किसी आपातकाल स्थिति के समय यह दवाएं आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि यह धीरे धीरे असर करती हैं। सर्जरी हो या अन्य स्थितियों में जब मरीज को तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है, तब यह होम्योपैथी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयां पोषण संबंधी समस्या या पोषण की कमी होने की स्थिति में बिल्कुल भी प्रभावकारी नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पर हम मान सकते हैं दोस्तों कि एनीमिया या आयरन की कमी और अन्य तत्वों की कमी होने पर होम्योपैथी भी असर साबित हो सकता है। तीसरा दोस्तों, इन दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का सेवन अगर निश्चित समय सीमा से अधिक समय तक किया जाए तो इसका ओवरडोज लेना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता। इससे आपके पेट में इन्फेक्शन और अन्य परेशानी हो उठेंगी दोस्तों। चौथा है, होम्योपैथिक दवाइयाँ हर किसी पर उतनी ही प्रभावकारी साबित हुए, यह ज़रूरी नहीं। लंबे समय तक इसके सेवन से अगर आप लाभ महसूस नहीं करते हैं तो समस्या गंभीर हो जाएगी दोस्तों। पांचवा है दोस्तों, कई प्रकार से या कई बार से होम्योपैथी दवाइयों का परामर्श आपके चिकित्सकीय इतिहास और बीमारियों पर भी निर्भर करता है। ऐसा न होने की स्थिति में दवाइयाँ आपको अपेक्षा अनुरूप लाभ नहीं पहुँचा पाएंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों आपका।